दोस्तों, डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है, exam.du.ac.in। और यहाँ पर नीचे आने के बाद ये जो आपको डेट शीट वाला है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट शीट ऑफ अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर मोड। तो इसमें जो भी फिफ्थ, थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बेसिकली ये थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की डेट शीट है। फर्स्ट सेमेस्टर तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि किसी की फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक आ गई थी या थर्ड सेमेस्टर में बैक आ गई थी तो वो एग्ज़ाम भी इसी के साथ होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको किसी एक कोर्स की डेट शीट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बीए प्रोग्राम, और ये रेगुलर और एनसीवेप के स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरीके से पहली जो डेट शीट ओपन होती है वो 30 नवंबर से जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो डेट शीट है ये रेगुलर और एनसीवेप के स्टूडेंट्स के लिए है। तो 30 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो 20 दिसंबर से है, यानी कि 20 दिसंबर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली आपको मैंशन किया गया है ना। और मैं ऑनर्स की भी यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो ये ऑनर्स की भी डेट शीट है, और ये जो डेट शीट है इसमें आप देख सकते हैं कि 30 नवंबर से यहाँ भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है आपका सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट का, 1 दिसंबर से सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए आपको आपका जो एडमिट कार्ड है उसका वेट करना पड़ेगा, वो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 20 अक्टूबर के बाद, ठीक है। 20 अक्टूबर के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं अगेन कि ये जो डेट शीट है रेगुलर और एनसीवेप के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन जो एसओएल के बच्चे हैं वो भी इसी डेट शीट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की डेट शीट इससे भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती है, ठीक है। और इनफैक्ट एक और चीज़ कि ये जो डेट शीट है वो टेंटेटिव है, इसमें अगर बाद में कोई फेरबदल हुआ तो वो हो सकता है, बट 90% से ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि डेट शीट सेम ही रहती है। तो इस तरीके से आप डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।